कि साहब अगर किसी को पेंशन देनी है तो इस मुल्क के गरीबों को दीजिए, पिछड़ों को दीजिए जिनकी आमदनी 3 रुपए के आसपास है, तीन आने के आसपास है, कि जब तक भूखा इंसान रहेगा इस धरती पर तूफान रहेगा। बात कर रहे हैं कि भाई कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोग कैसे देखते हैं, तो एज ए टीचर, एज ए सोशल साइंटिस्ट हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उनको देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से भविष्य को देखा है और वो वर्तमान में किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उनका एक कोटेशन है, मैं उस कोटेशन से ही बात शुरू करता हूँ अपनी। उन्होंने कहा था कि जब वो पार्लियामेंट पहुँचे थे तब की बात, उन्होंने कहा था कि संसद के विशेष अधिकार कायम रहें, संसद के पास जो राइट्स हैं वो भी कंटिन्यू रहें, वो बढ़ते भी रहें, लेकिन ख़ास तौर पर ये ध्यान रखा जाए कि जो जनता है, जो आम लोग हैं, उनके अधिकारों का संसद जो है किसी तरीके से विशेष उनका हनन ना करे। और आज ये बात सच साबित होती हुई दिख रही है हम लोगों को, जब देख रहे हैं कि संसद में जो लोग आज बैठे हुए हैं मेजोरिटी लेकर के, वो किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, किस तरीके से जो है आम जनता के ऊपर जो है क्रैकडाउन चल रहा है। NRC का मसला देख लीजिए, NPR का मसला दीजिए, चाहे किसी भी मसले पर देख लीजिए आप। तो ये चीज़ हम लोगों को बहुत पहले देखने को मिल गई थी। दूसरी चीज़ जिसके बारे में हम लोग कर्पूरी ठाकुर साहब को याद कर रहे हैं, जिसके ख़ास तौर पे जब 2 टर्म का उनका टेन्योर रहा है एज ए चीफ मिनिस्टर, तो पहले टर्म में उन्होंने कुछ खास काम किए थे, जिसमें एक चीज़ जो कि हम बहुत बाद में देखते हैं वो ये है कि उन्होंने एजुकेशन को, स्पेशली 8वीं तक की जो एजुकेशन थी उसको फ्री कर दिया गया था। ये 1971 की हम लोग बात कर रहे हैं। उसी समय पर उर्दू को उन्होंने राजभाषा का भी दर्जा दिलाया था और अंग्रेजी की जो अनिवार्यता होती थी उसको भी उसी समय पर हटवाया था। 1977-78 का जब सेकेंड टेन्योर देखते हैं, उसमें कुछ खास चीज़ देखने को मिली थी और वो थी आपकी पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्वेशन। वो पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन जब सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो हम देखते हैं कि 1993 में जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई और उसके बाद में जो चीज़ हम लोगों ने देखी वो अलग चीज़ थी, लेकिन बिहार के लेवल पर हम लोगों ने देखा था कि 20% रिजर्वेशन 1978 में कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो है सरकारी नौकरियों में दे दिया था। और एक खास बात जिसका आज की तारीख में कहीं जिक्र नहीं हो रहा है और कहा जा रहा है कि आज की तारीख में जो सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्होंने कुछ गरीब सवर्णों को जो है 10% आरक्षण दिया है। तो आपको बता दिया जाए कि 1978 में ही कर्पूरी ठाकुर साहब ने बिहार में जो है 3% रिजर्वेशन गरीब सवर्णों को उसी समय पर दे दिया था। 3% रिजर्वेशन उन्होंने जो है महिलाओं को भी दिया था, जिसके बारे में आज की तारीख में कहीं पर भी चर्चा नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें याद करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और उसी समय की कुछ बातें जो उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर और एज ए चीफ मिनिस्टर के बतौर उन्होंने कही थी, उसमें एक बात और कही थी। प्लीज सर, मैं सांसद जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मंच पर आवे सांसद जी। एक बात उन्होंने कही थी कि ये 1977 और 78 और उसी दशक की हम लोग बात कर रहे हैं, जब उन्होंने कहा था कि सरकार जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो लोग कुछ चंद पूंजीपति घरानों के लिए काम कर रहे हैं, वो जनहित में काम नहीं कर रहे हैं, और ये जनहित का जो विचार है उसी समाजवादी परंपरा से आता है। और जब ये बात होनी शुरू होती है तो उन्होंने कुछ आंकड़े पेश किए थे और उन्होंने कहा था कि इस मुल्क में जो आपका एक बड़ा तबका है वो 3 आने से कम में अपना जीवन जी रहा है। और उसी समय पर जब इंदिरा गांधी ने विधायकों की, सांसदों की पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया था, तब उन्होंने कहा था कि साहब अगर किसी को पेंशन देनी है तो इस मुल्क के गरीबों को दीजिए, पिछड़ों को दीजिए जिनकी आमदनी 3 रुपए के आसपास है, तीन आने के आसपास है। और उस समय पर उन्होंने 50 रुपए की पेंशन, गरीबों के लिए पेंशन का प्रपोजल उस समय उन्होंने दिया था।
हालांकि जो सरकारें केंद्र में आई बाद में उन्होंने तो जो पॉलिसी बनाई उसका रिजल्ट ये हुआ कि गरीब और गरीब होता चला गया और अमीर होता चला गया। और 2014 के बाद जो सरकार आई है उसने तो ऐसे तरीके से पॉलिसी बनाई है कि आपका 1% जो अमीर लोग हैं उनके पास पूरे मुल्क की 73% संपत्ति है। तो ये चीज है, आप देखेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन में वो तभी इन चीजों को समझ पा रहे थे और तभी वो देख पा रहे थे कि अगर उन पॉलिसीज को ऑप्ट नहीं किया गया जिसकी वो वकालत कर रहे, जिनकी वो बात कह रहे हैं, तो किस तरीके के हालात देखने को मिलेंगे और किस तरीके की संसाधनों की लूट जो है पूरे देश भर में देखने को मिलेगी। और एक बात जिसके साथ मैं अपनी बात भी खत्म करूंगा, उन्होंने कहा था कि जब तक भूखा इंसान रहेगा इस धरती पर तूफान रहेगा, जब तक भूखा इंसान रहेगा इस धरती पर तूफान रहेगा। तो ये चीज थी जो कि उनके बाद के लोगों से उनको अलग करती है। उनके पहले के जो लोग बिहार में आए या देश भर में जो भी लोग राजनीति में आए हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं, कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जो गरीब तबके को लेकर के जो मोहब्बत है, उसको लेकर के जो चिंता है, वही उन्हें बाकी सबसे अलग करती है। मैं उन्हें नमन करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।